खबर चंपावत से। जिला चंपावत में चलाया गया स्वच्छता अभियान। स्वच्छता पखवाड़ा अंतर्गत को स्वच्छता अभियान के तहत मुख्य विकास अधिकारी राजेंद्र सिंह रावत के नेतृत्व में ग्राम पाटन पाटनी में स्वच्छता जागरूकता कार्यक्रम के साथ बृहद स्वच्छता अभियान चलाया गया। विद्यालय के छात्र छात्राओं द्वारा स्वच्छता जागरूकता कार्यक्रम को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। ग्राम पंचायत में बैठक का आयोजन कर ग्रामीण जनता को सिंगल यूज प्लास्टिक की रोकथाम एवं कूड़े को जैविक व अजैविक कूड़े को कूड़ेदान में डालने के लिए जागरूक किया गया तथा निकटवर्ती ग्रामीण क्षेत्रों में सफाई का कार्य भी किया गया। हमारे ऑनरेबल हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब ने ये इनिशिएटिव लिया और उनका ये ब्रेन चाइल्ड था, उनका आइडिया था कि सब लोग जो है इसमें जुड़कर एक दिन का हम श्रमदान करें। फिर ये स्वच्छता पखवाड़े में भी बदल गया और पिछले लगभग मेरे ख्याल से 10-12 दिन से पूरे प्रदेश में सभी जगह सब लोग मिलकर काम कर रहे हैं, प्रशासन, शासन, जुडिशरी, और अपने लेवल से अभी तक जो काम हो रहा था, आज का दिन उन्होंने स्पेशली चूज़ किया था। तो आज हम सब लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं, हमने 6 टीमें बनाई हैं, 1 टनकपुर के लिए, 5 चंपावत के लिए, और हर टीम जो है उसमें एक एक न्यायिक अधिकारी भी हैं और बाकी लोग उसमें जोड़े गए हैं, जिसमें आम जनता के लोग भी हैं, PLVs भी हैं, वो सबको एरिया बांट दिए गए हैं। वो एरिया वाइज उस एरिया का पूरा जाकर कलेक्शन करेंगे कूड़े का और ये ध्यान रखेंगे कि बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल दोनों सेग्रीगेशन वहीं पर हो जाए जहाँ पर कलेक्शन हो रहा है। ADM साहब इसमें हमारा उन्होंने और EO साहब नगर पालिका उनका काफ़ी हमें सहयोग रहा है कि वो उस कूड़े को इकट्ठा कर जो गदरपुर में उनका प्लांट है प्लास्टिक वेस्ट वगैरह का, उसको उन्होंने कहा है कि वहाँ भेज देंगे। और मैं सबका धन्यवाद भी करती हूँ और मुझे बहुत अच्छा भी लग रहा है कि लोगों ने इतना ज़्यादा पार्टिसिपेट किया है, लोगों में उत्साह भी है। खबर भारतवर्ष के लिए चंपावत उत्तराखंड से पार्वती देवी की रिपोर्ट। अपने शहर, अपने प्रदेश की ताज़ा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।